चलिए मामला अब शुरू। एक बार फिर से यहाँ पर रेडिंग की जिम्मेदारी हाफ समाप्त होने के बाद 18 और 21 पे इस समय मुकाबला चल रहा है पूरी तरीके से कसमकस भरा मुकाबला। और अमेठी एक अंक लेकर चली गई, अमेठी का अंक पहुंचता हुआ अब 22 पर 18 पर है अयोध्या हॉस्टल की टीम। पूरी तरीके से मुकाबला अपने समाप्त पर दूसरा हाफ इस समय प्रगति पर चल रहा है और उस फाइनल का पक्का फाइनल का मुकाबला। तीन खिलाड़ी हैं, सुपर टैकल ऑन है, क्या होता है देखना होगा। इस तरीके से चेन के रूप में आ रहे हैं, शॉट छेड़ने का प्रयास किया, एक अंक यहाँ पर मिल जाएगा टीम को। दो खिलाड़ी मौजूद हैं दूसरे पक्ष में, सात तो फिलहाल से बोनस ऑन है और पूरा मुकाबला इस समय कसमकस भरा हुआ। सात का डिफेंस यहाँ पर लगातार लेफ्ट कॉर्नर पे आक्रमण जारी रख रहे हैं, चेन के साथ लेफ्ट विंग के साथ है, डाइव करने का प्रयास किया, देखना होगा। कसमा का दौर जारी है, रेड यहाँ पर रेफरी की पिसिल का। यहाँ पे ऑफिसर्स दोनों आपस में डिस्कस करते हुए अपील यहाँ पर लगातार की जा रही है। पूरा मुकाबला, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। अयोध्या हॉस्टल वर्सेस अमेठी हॉस्टल के बीच का फाइनल 23 for Amethi, 18 for Ayodhya। 5 point लीड है अमेठी एट दिस टाइम। दो खिलाड़ी सुपर टैकल ऑन है, विशाल इज ऑन द अटैक इस समय, लेफ्ट कॉर्नर पे आक्रमण जारी रख रहे हैं विशाल और उधर भी दो खिलाड़ी मौजूद। रेड की जिम्मेदारी है अयोध्या के पास, पिछली बार अपील किया था लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी। 18 and 23 पांच अंक की बढ़त यहाँ पर, सात का फुल हाउस है। तोरे महंगा मोबाइल है यहाँ पे लगातार आक्रमण जारी रख रहे हैं। लेफ्ट कॉर्नर से लेकर राइट कॉर्नर तक तीन चेन बनी हुई है और दोनों कॉर्नर्स और दोनों कवर्स चेन में यहाँ पर रोहित आराम से रेस्ट कर रहे हैं, बैक किक लगाने का प्रयास किया और देखिए यहाँ से एक अंक टेक्निकल के रूप में मिलता है, टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर एक अंक के साथ अयोध्या का अंक पहुंचता हुआ 19। ऐसी छोटी छोटी गलतियां बाद में आपको भारी पड़ सकती हैं। दो खिलाड़ी मौजूद हैं, सुपर टैकल ऑन है, किसी तरीके से कुछ भी करके पॉइंट लाना चाहते हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं कि डू और डाई पे खेलना चाहते हैं और ये रेड डू और डाई रेड है, करो या मरो की स्थिति। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 1923 का स्कोर है, 4 अंक की बढ़त है, करो या मरो की रेड है। यहां से पॉइंट नहीं लेकर आएंगे तो खुद मरेंगे, पॉइंट लेकर आएंगे तो एक खिलाड़ी अपना अपनी टीम में जोड़ेंगे। 1923 का अंतर है, कुछ भी करके दीप जाना होगा, बोनस पूरी तरीके से देने के लिए राजी नहीं है। एक खिलाड़ी दो खिलाड़ी पॉइंट यहाँ पर पूरा का पूरा सीन बदल गया है। अब देखिए यही है कबड्डी, पूरी तरीके से 4 अंक के साथ बराबरी पर तालियां बजाइए और मजा आएगा। तेज तेज की बराबरी पर मुकाबला, हम कह रहे थे ना ये टर्निंग पॉइंट है, ये रेड पूरे मुकाबले को डिसाइड कर सकती है। एक अंक का दावा यहां पर किया है, कसमों का दौर जारी है और एक अंक का दावा कर रहे हैं। एक अंक के साथ अमेठी एक बार फिर से बहुत पर। पिछली जो रेड हुई थी उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरा मुकाबला एक बार फिर से बराबरी पर चल रहा है, कबड्डी का फाइनल का मुकाबला। और देखिए इतनी अच्छी फुर्ती, यहाँ पर पांच खिलाड़ी मौजूद है, इधर भी चार है, चार का डिफेंस बहुत ही कसमकस भरा डिफेंस रहता है यहाँ पर। और हम देख सकते हैं स्कोर बोर्ड की सूरत हालात 23 और 24 पर है, बैक किक लगाने का प्रयास किया, सफलता नहीं मिली और इस तरीके से चार और पकड़े जाएंगे अयोध्या प्रभु श्री राम।
अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम गांडीव था, लेकिन उनका धनुष का नाम नहीं पता मुझे। कोई अध्यात्म का अगर वेदता हो तो हमको बताए। 24-24 की बराबरी पर फाइनल का पंगा यहाँ पर, चार खिलाड़ी मौजूद है योद्धा इस समय रेड कर रही है। अमेठी एक बड़ी बहुत को कम करते हुए दो टच करने का प्रयास किया, बैटरी चार्ज हो चुकी है, दो चेन दिख रहा है, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर दोनों चेन के साथ है। अब रेड होगी विशाल के पास, अपनी टीम के मेन रेडर है विशाल और पांच खिलाड़ी मौजूद है, दोनों कॉर्नर्स दोनों इनके साथ इस समय चेन में, बीच में एक सेंटर का खिलाड़ी अकेला खड़ा हुआ है। इस तरीके से एम्प्टी रेड होगी, कुछ कुछ माइंड गेम्स हो रहा है। और यहां से अब वो और डाइले करो या मरो, पिछली बार तो पूरी तरीके से टीम को जिंदा कर दिए थे, इस बार क्या होता है देखना होगा। 24-24 की बराबरी पर एक अंक ले जाएगा की तरफ, शिकारी और शेर जैसे हिरण की तरफ टूटता है। और इस तरीके से पॉइंट अब 25-24 पर, 25-24 दो अटाई रेड यहां पर, रोहित अटैक पर है। इस बार भी कुछ हलचल होगी और हलचल होनी चाहिए। और चार खिलाड़ी मौजूद है, चार खिलाड़ी इस समय मौजूद है, रेडी का जिम्मा संभाले हुए हैं। और अब 25-24 टच करने का दावा किया रोहित, कितना देखना होगा। एक अंक मिल गया यहाँ पर अयोध्या को, एक अंक मिलता हुआ, कसमों का दौर जारी है। रेफरी का निर्णय अंतिम सर्वमान्य है, कोई भी एक अंक यहाँ पर मिल गया टीम अयोध्या। लागू चला गया बिना। इस समय अंक पहुंचता हुआ 25-25 की बराबरी पर फाइनल का पंगा चल रहा है। चार खिलाड़ी मौजूद है, दोनों कॉर्नर्स यहां पर डिफेंस के साथ, चेन के साथ, फोर प्लेयर्स हैं इन द कोर्ट ऑफ अमेठी एट दिस टाइम। 25 बोथ टीम्स लुकिंग वेरी गुड एट दिस टाइम एंड फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय बोथ टीम्स इन द फाइनल मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट स्टेट लेवल कबड्डी चैंपियनशिप। रेन बहुत शानदार तरीके से वंडरफुल टू सब टैकल बाय द प्लेयर ऑफ अयोध्या। अयोध्या की पार्टी चार्ज एक अंक आगे, अब क्या होगा अमेठी वालों, अच्छा होगा। सुपर टैकल ऑन है, अमेठी का सुपर टैकल करेगी। आराम से देखिए, अब दिमाग का भी खेल है, आखिरी के कुछ क्षण बचे हुए हैं, अभी भी समय बचा हुआ है 26-25। अभी इस मुकाबले में 13 मिनट का समय और बचा हुआ है और अभी इसका निर्णय होने में बहुत वक्त लगेगा। 26 दिख रहा है, 26-25 अयोध्या 26-25 को अमेठी 1 पॉइंट लीड है। अयोध्या 6 प्लेयर इन द कोर्ट ऑफ अयोध्या 3 चेंज लेकिन एम्प्टी रेड। सुपर टैकल ऑन, दोनों टीमें टू और डाई पे खेलना चाह रही हैं क्योंकि सुपर टैकल है। टू टच का प्रयास किया, राइट कॉर्नर अकेला खड़ा हुआ है और सुपर टैकल हो जाएगा। ये बढ़िया फाइनल बहुत खतरनाक हो रहा है और इसी बीच में विद्याधर कमला सिंह